नहीं नहीं अभी मीटिंग तो प्रारंभ हुई है और वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री उस बैठक में उपस्थित हैं और तो सीधे संवाद कर रहे हैं माननीय विधायकों से। अभी तक कितना आंकड़ा पहुंचा है सारे विधायक, आपने अगर एक नज़र डाली हो तो? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप सबों को मालूम है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस सरकार को 50 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त है, तो फिर संख्या बल की बात आप क्यों कर रहे हैं, मेरे समझ से ये पर है। विनोद जी आप लोग जैसे आप पहले भी बोल रहे थे कि हर तरह की तैयारी चल रही है, हर तरह की चीज़ों पे डिस्कशन हो रहा है, तो एक डिस्कशन क्या ऐसा भी कुछ है कि भाजपा से डर है कहीं जो दूसरे स्टेट्स में होता रहा है तो उससे बचने के लिए कहीं बाहर? देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन संघर्ष से हुआ है और हम भाजपा और किसी दल से डरते नहीं हैं। सामने सामने देखिए विनोद जी, कांग्रेस को लेकर भी यही राय है आपकी? मतलब कांग्रेस भी नहीं डर? कांग्रेस तो हमारे साथ में है, गठबंधन में है, हम यूपीए के पार्ट हैं। कांग्रेस इस बैठक में बैठी हुई है, आरजेडी है और जिन लोगों का समर्थन इस सरकार को प्राप्त है वो सारे लोग इस बैठक में आज उपस्थित हैं। अभी तक राजभवन से कोई सूचना मिली है कि नहीं? रामेश्वर उड़ाव चले गए हैं। रामेश्वर उड़ाव गए नहीं हैं, ये आप लोग के नजर में गए। अरे भाई तो पैदल तो जाएंगे नहीं, फिजिकली यहाँ से गए तो वो माननीय मुख्यमंत्री से बात करके वो गए हैं, उनका कोई व्यक्तिगत काम है। विनोद जी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की भी शुरुआत झारखंड में देखने को मिलेगी अभी? ये तो अभी बता रहे हैं, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तो हम लोग अभी जानते नहीं हैं, अगर आप बोलेंगे तो आगे हम लोग इस पर विचार करेंगे। विनोद जी कोई सूचना अभी तक आया राजभवन से? कोई सूचना अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं है और हमको लगता है कि जब भी सूचना आएगी उस सभी परिस्थिति के लिए हम लोग तैयार रहें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।